नायिका के बिहार जाने की बात सुनकर उसके ससुराल वाले उससे नाराज़ हो जाते हैं। तब वो उन्हें मनाने के लिए अलग अलग तरीके से उनकी तारीफ करती है। ये कहती है कि मेरे ससुर जी तो दिल्ली के राजा हैं और मेरी सासू जी महल की मालकिन, मेरा देवर तो चांद है और मेरी देवरानी का चेहरा तो बिजली की तरह चमकता है, और वो जो मेरे पति हैं वो मेरे दिल के राजकुमार हैं और मैं उनकी रानी सा हूँ। प्रस्तुत है अगला लोकगीत। Thank you.
कोशिश नाकामयाब। जब अपने अपनों से नाराज हो जाते हैं तो उन्हें मनाना उतना ही कठिन होता है जैसे आसमान से तारे तोड़ लाना। लेकिन हमारी नायिका हार मानने वालों में से नहीं है। वो उन्हें मनाने के लिए एक और तरीका अपनाती है। उनकी तारीफ में कहती है कि मेरे ससुर जी को गेहूं और चना पसंद है और सासू जी को हरिया पुदीना। तो मैं अपने ससुर जी के लिए गेहूं और चना बो देती हूं और सासू जी के लिए हरिया पुदीना। लेकिन अब समस्या ये है कि उन्हें बोया कहाँ जाए। तो इसका हल निकालते हुए भी नायिका कहती है कि मैं खेत में गेहूं और चना बो देती हूं और किनारों पर हरिया पुदीना। तो आइए आनंद उठाते हैं अगले मधुर लोकगीत का।
नायिका द्वारा लाख मनाने पर भी जब रूठा हुआ नायक नहीं मानता है तब नायिका नाराज होकर अपने पीहर जाने की बात करती है। वो अपने लाडले देवर से विनती करती है कि मुझे मेरे पीहर छोड़ाओ। तब लाडला देवर भी बहाना बनाकर टाल जाता है। तो वह यह कहती है कि मेरे भाई को बुलवा दो, मैं उसके साथ पीहर चली जाऊंगी। तो आइए आनंद उठाते हैं अगले लोकगीत का।
प्रस्तुत लोकगीत में हरियाली है, संगीत है और प्रेम है। इस लोकगीत में नायिका हमें यह बता रही है कि उसके छैल भंवर का अलगोजा खेत में बज रहा है। नायिका की ढोलकी रंग रंगीली है, जिसके बजने पर नायिका के हृदय का मोर नाचने लगता है। तो आइए देखते हैं अगला लोकगीत। Okay.
सर, दर्शक इतना तो जान ही गए होंगे कि अब हम उन्हें कौन सा लोकगीत दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, इसके बोल हैं चूड़ी चमके रे। प्रस्तुत लोकगीत में नायिका नायक से जड़ावदार चूड़ियाँ मंगवाने की बात कर रही है। सिर्फ जड़ावदार चूड़ियाँ ही नहीं, उसे तो नाक की नथनी, हाथों की मेहंदी और पैरों की पायल भी चाहिए। तो आइए श्रृंगार रस से भरपूर इस लोकगीत का आनंद उठाते हैं।
नमस्कार नमस्कार। दर्शकों को एक बार फिर से आपकी अपनी पूजा का प्यार भरा नमस्कार। मुझे देखकर दर्शक इतना तो जान ही गए होंगे कि इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं घूमर का एक और नया भाग। इस भाग के जरिए हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के और भी कई नए रंग, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी रंग ज़रूर पसंद आएंगे। तो अब आपको और अधिक इंतज़ार न कराते हुए हम आपको दिखाते हैं घूमर भाग 5 का प्रस्तुत लोकगीत। इस लोकगीत में नायिका का बालम 7 बरस का है। जब नायिका अपने छोटे बालम को लेकर बाजार जाती है तो कभी वह हलवाई की दुकान से लड्डू दिलवा देने की बात करता है, तो कभी खिलौने की दुकान से झिंझुना, कभी उसे छोटी गाड़ी चाहिए, तो कभी वह नायिका की गोद में बैठने की जिद करता है। तो आइए दर्शकों, अब हम देखते हैं कि जब किसी नायिका का बालम इतना छोटा होता है तो उसे किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रस्तुत है ये लोकगीत।
खातिर के जाता ढोलो हट पकड़ो मन काटूलो दिलाते घर नार बालम छोटो सो मन काटूलो दिलाते घर नार बालम छोटो सो काटूलो दिलाती थारा मायर बाप काटूलो दिलाती थारा मायर बाप मारी फांदी मत बाड़ो घर तार बालम मन गोद्या में उठाले घर नार बालम छोटो सो मन गोद्या में उठाले घर नार बालम छोटो सो आचीरे परनाई मारा मायर बाप आचीरे परनाई मारा मायर बाप मारो जावन पेड़ो जाय बालम छोटो सो मारो जावन सावन भी आ गया और बरसात भी, लेकिन हमारी नायिका का रूठा हुआ नायक अब तक लौट कर नहीं आया। तभी नायिका उदास मन से कहती है कि बिना साजन के मुझसे ये सावन सहन नहीं होगा, इसीलिए प्यारे कौवे तो उड़ जा, तेरे उड़ जाने पर ही मेरे पतिदेव घर आएंगे, उनके घर आने पर मैं तुम्हें खीर बनाकर खिलाऊंगी, तेरे पाँव में घुंघरू बंधवा दूंगी और तेरे गले में हार पहना दूंगी, तो उड़कर शगुन देगा तो मैं जन्म जन्म तक तेरे गुणगान गाऊंगी और तेरे पंख में हीरे और मोती जड़वा दूंगी। तो आइए देखते हैं अंत में नायिका का रूठा हुआ नायक लौट कर आता है या नहीं।
फसल तो बो दी गई, किंतु फसल को फलने फूलने के लिए जरूरत है पानी की, और पानी आता है बरसात से। बरसात आती है मोर के नाचने पर। तो आइए मोरों के नृत्य से सजे हुए इस लोकगीत का आनंद उठाते हैं। जी मोर बोले रे,
तारीफ के बाद भी जब नायिका के रूठे हुए ससुराल वाले नहीं मानते हैं तो वो उन्हें मनाने के लिए एक और तरीका अपनाती है। उनकी तारीफ में ये कहती है कि मेरा एक गोरबंद है जो बहुत सुंदर है, इसे मेरी ननद ने एक एक मोती कर पिरोया है, मेरी देवरानी और जेठानी ने इसे मिल बैठ कर बनाया है और मेरी सास ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं, तभी तो इतना सुंदर बन पाया है मेरा गोरबंद। तो आइए प्रस्तुत है अगला लोकगीत जिसके बोल है गोरबंद नखरालो। Maraca
महल में चल रहा झगड़ा तो खत्म हुआ नहीं, पर नायिका द्वारा हर बार झगड़े का एक नया कारण बताने से परेशान होकर नायक रूठकर चला जाता है। तब नायिका उसे मनाने के लिए सज धज कर अपनी सखियों के साथ नायक के पीछे पीछे जाती है और उसे ये कहकर मनाने की कोशिश करती है कि मैंने 80 कली का घाघरा पहना है, मेरे नथ का मोती भी चमक रहा है और मेरी चूड़ियाँ खनक खनक कर तुम्हें पास बुला रही हैं। मेरे रूठे हुए सजन, अब तो झगड़ा भुलाकर मुझसे बात करो। तो आइए, प्रस्तुत है अगला लोकगीत।